कि मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान में जो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास हर तरह से सुख सुविधा है, वो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। सीबीआई हुई, एनआईए हुई, ईडी हुई, एनसीबी हुई, डीआरआई हुई, बाकी जो डिपार्टमेंट है, उनसे लोग इतने त्रस्त हैं कि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। 5 करोड़ रुपये हर आदमी हिंदुस्तान से ले गया है, और तकरीबन आप समझिए अगर इसको गुणा करेंगे तो 28 लाख करोड़ रुपए का धन जो है, हमारी देश की संपत्ति जो है विदेशों में चली गई है। हिंदुस्तान से जितने भी ये सीईओ बनाए जाते हैं, उनको इस नज़र से ही बनाया जाता है कि ये इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर कभी किसी पचड़े में पड़े तो और इन्हें जेल जाना पड़ा तो यही जेल जाए। संवैधानिक संस्थाओं का फर्जीवाड़ा चल रहा है, दूसरा फर्जीवाड़ा जो है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनका चल रहा है, और तीसरा फर्जीवाड़ा अदालत का चल रहा है, क्योंकि अदालत के पास जो अधिकार नहीं है लोगों को जमानत देने के। जितने भी ये कानून बने हैं इनमें लिखा गया है कि आईओ अगर संतुष्ट होगा तो आपको जमानत मिलेगी। मोदी जी और योगी जी ये जो है जवान के शेर हैं, इनकी जवान लपलपाती रहती है, चलती रहती है, लेकिन दरअसल ये कुछ नहीं करते। अगर बुलडोजर चलाना है तो भाई जिम्मेदारी किसकी है? तो मोदी जी और योगी जी को वोट देते हैं। मोदी जी योगी जी जिनको रोज ठोकते हैं, जिनका जीवन बर्बाद करते हैं, वो विदेश में जाने काबिल है ही नहीं। कोई विदेश का जो सरकार है वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ कभी नहीं बुलाएगी जो भक्त अंधभक्त हो। हर आदमी ये मानता है जिसके पास पैसा है कि कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी आएगा, आपके चूतरों पे दो डंडे मारेगा, आपको बंद कर देगा, चाहे झूठा जुर्म हो सच्चा जुर्म हो, और अदालत से आपको जमानत नहीं मिलेगी। नमस्कार आप दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे ही शीतकाल सत्र शुरू हुआ, हमारी लोकसभा राज्यसभा दोनों का किसान बिल था वो तो वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो ही गई। एक तरफ सस्पेंड भी हुए बहुत सारे सांसद, और तीसरी तरफ एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, नित्यानंद जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भारतीय 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऐसे में ये संसद को बताने की ज़रूरत क्या पड़ी है? और ये फिर 2017 से उन्होंने जो आंकड़े पेश किए और हर साल लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के बीच में थोड़े से घटे थे लेकिन 2021 में थोड़ी बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़ने, तो ये सब क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार ने अब ये सवाल का जवाब इसलिए दिया क्योंकि किसी सांसद ने सवाल किया होगा। जी, और जब भी संसद में कोई सदस्य सवाल करता है तो उसका जवाब देना सरकार की मजबूरी होती है। अच्छा, अब सरकार ने घोषित रूप से मान लिया है कि विभिन्न देश विभिन्न सालों में तकरीबन 6 लाख लोग हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में नागरिक बन गए हैं। जी, और जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए जिन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाई थी। और मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान में जो पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास हर तरह से सुख सुविधा है, वो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। घोषित रूप से हिंदुस्तान में इस समय जो है अरबपतियों की संख्या जो है 214 है, और आपको आश्चर्य होगा कि 214 में से जो है कुल जो है तकरीबन 30-35 उद्योगपति हैं जो हिंदुस्तान में आज के दिन रह रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में और दूसरे देशों की जो है उन्होंने पेड सिटीजनशिप ले ली है। पेड सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जब विदेश में किसी आदमी को जाना होता है तो वो रखते हैं कि हमारे यहाँ कूड़ा करकट ना आए, तो वो जो है हर देश के उन नागरिकों को बुलाते हैं जिनमें कोई विशेषता होती है, या तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, या उन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया होता है, या बाकी लोगों को वो कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आकर बसना चाहते हैं तो आपको हमारे यहाँ अपने संसाधन यानी अपना बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट वहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि वो पैसा उस देश की GDP को बढ़ाने में काम में आए। अब देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हिंदुस्तान में मेरे जो मित्र हैं जो विदेश में चले गए या इस तरह का टूर्स का काम करते हैं, ट्रेवल्स का काम करते हैं, लोगों को इमिग्रेशन का काम करते हैं, उन सब का कहना था कि हिंदुस्तान का जो धनाढ्य आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता। और वो इसे नहीं रहना चाहता कि हिंदुस्तान में जो कानून है वो इतने बेचीदा और इतने बेहुदा बना दिए गए हैं कि आज के दिन किसी भी आदमी को पुलिस बुलाकर बंद कर सकती है, ईडी उसके रेड मार सकती है, NIA उसको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, NCB वाले उसके बच्चों को या उसको जो है ज़बरदस्ती फर्जी केसों में लाद सकते हैं। तो CBI हुई, NIA हुई, ईडी हुई, NCB हुई, DRI हुई, और जो बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनसे लोग इतने त्रस्त हैं कि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है।
और बहुत सारे लोग मुझे व्यक्ति निजी बातचीत में कहते हैं कि वो तो अपना जीवन उन्होंने हिंदुस्तान में काट लिया, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान के कानून में गिरफ्त में आए, क्योंकि अब वो कहते हैं कि देश में रहते हुए डर लगता है। सिर्फ डर की वजह या बिजनेस या धंधा भी चौपट हो रहा है? नहीं नहीं, धंधा चौपट जो देखिए, धंधा जब चौपट होता है उसकी मार जो है मिडिल क्लास पे होती है। अच्छा। गरीब पे नहीं होती और सबसे अमीर पे नहीं होती। अमीर की तो जो फैक्ट्री है वैसे ही चलेगी, गरीब का जो है झोपड़ा वैसे ही चलेगा। जो मिडिल क्लास होता है, जो सर्विस क्लास होता है, जो समझिए आप गरीबी से जंप मारकर जो है अपनी मेहनत के बूते पर या अपनी प्रतिभा के बूते पर या अपनी ज्ञान के बूते पर, वो मिडिल क्लास में शामिल होता है। तो आप देखिए हिंदुस्तान में जो इरोजन ऑफ मिडिल क्लास है, यानी कि जो मिडिल क्लास, जो कि आप देखिए बैंक की जितनी भी लोन की सुविधा लेने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी फ्लैट के लिए लेगा, कभी एजुकेशन लोन लेगा, कभी वो जो है व्हीकल के लिए लेगा, कभी वो मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेगा, कभी वो फ्रिज खरीदने के लिए लोन लेगा। तो बैंक की जो EMI भरने वाला ग्रुप होता है वो ही मिडिल क्लास होता है, और उसका जो है बंदा बंदाया सैलरी का पैकेज होता है कि 2 लाख मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे या जितने भी मिलेंगे, उससे वो EMI को ही एडजस्ट करता रहता है। तो अब क्या हुआ कि जब ये रोजगार और ये जो लॉकडाउन लगा मोदी जी का, और मोदी जी का लॉकडाउन ही नहीं, जबकि मोदी जी ने जब नोटबंदी की तो उस समय जो है सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में लोगों को झटका लगा और लाखों बिजनेस बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग जो है अपनी उम्मीद खो बैठे। उसके बाद मोदी जी GST ले आए, जिसके बारे में बड़े बड़े जो उनके समर्थक हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी आज माथा पीटते हैं कि इसमें 2800 से ज़्यादा संशोधन हो गए हैं, और आज भी हमें नहीं पता कि हर महीने जो है हमें किस तरह GST अपने क्लाइंट का या क्लाइंट को अपना ही GST भरना किस तरह है, ये नहीं पता। फिर मोदी जी ने एक चमत्कार ये किया कि अचानक वो लॉकडाउन ले आए कोरोना के नाम पे, और 4 घंटे में उन्होंने सब चीज़ बंद कर दी, सारी सप्लाई चेन बंद कर दी, लोगों का रोज़गार ख़त्म कर दिया, और उस दौरान भी वो जो है मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और आप देखते हैं कि मिडिल क्लास के वो बच्चे जो कि बड़े शहरों में कोटा में दिल्ली में या और कहीं जाकर जो है पेइंग गेस्ट के रूप में जाते थे और वहाँ अपनी कंपटीशन की तैयारी करते थे, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। जी। तो आज के समय में रोज़गार है नहीं, रोज़गार है नहीं, आने आगे समय में कोई सुविधा नहीं है, और सरकार उनके साथ मखौल करती है। जैसे अभी लोगों ने देखा यूपी में UP TET की जो परीक्षा थी, वो जब उन्होंने आधे से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षा के पेपर भर दिए, उसके बाद जो है जवाब भरने के बाद उनको कहते हैं जी तुम्हारी परीक्षा जो रद्द कर दी गई, और रद्द करने का कारण क्या है जी, बताते हैं जी पेपर लीक हो गया। तो जब से योगी जी वहाँ आए हैं तब से जो है 14 बार परीक्षाएं ऐसे जो है लीक की गई हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, लोगों से फीस भरवा लेते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं और नौकरी मिलने की उम्मीद में अपने घरों को छोड़कर जब यहाँ पेपर देना होता है वहाँ रात में पहुँच जाते हैं, बेचारे सड़क पर, चौराहे पर, फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, फर्श पर सो जाते हैं, और जब वो पेपर देने जाते हैं तब पता चलता है जी परीक्षा रद्द हो गई है। उसके बाद सरकार जो है ये मानती है जैसे वो उन पर को खैरात बांट रही हो, कहती है अगली बार तुम्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पहली बार जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस वो किसकी है, यूपी सरकार की है। पहली बार कमी किसकी है, यूपी सरकार की है। लोगों को ऐसी सरकार को जूते मारने चाहिए, वो सरकार बाद में बताती थी अगली बार हम फीस नहीं लेंगे, जैसे फीस लेना गवर्नमेंट का हक है। वो तो कह रहे बुलडोजर चलवा देंगे जिन्होंने लीक किया है। ऐसा है योगी जी बस बुलडोजर चलवा देंगे, ये ऐसे ही है जैसे मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, चीन को हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो मोदी जी और योगी जी ये जो है जवान के शेर हैं, इनकी जवान लपलपाती रहती है, चलती रहती है, लेकिन दरअसल ये कुछ नहीं करते। अगर बुलडोजर चलाना है तो भाई जिम्मेदारी किसकी है, पहले जिम्मेदारी तो तय करो, सरकार किसकी है, योगी जी की सरकार है। हर बार जो ये जो हम देखते हैं पेपर लीक हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, योगी जी की वजह से हो रहे हैं। जब योगी जी की वजह से हो रहे हैं तो योगी जी जिम्मेदार हैं, योगी जी का किसी सेक्रेटरी को उन्होंने बर्खास्त किया, किसी DGP को बर्खास्त किया, खुद योगी जी को त्यागपत्र देना चाहिए। ये देश उत्तर प्रदेश उस लोगों का है, जब पहली बार रेल दुर्घटना हुई 1956 में, तो जब कुछ लोग मारे गए, रेल पटरी से उतर गए, टक्कर हो गई, तब जो है तब के जो रेल मंत्री थे
जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, त्यागपत्र दे रहा हूँ। योगी जी क्या कहेंगे, मैं जो है इन पे मीसा लगवा दूंगा, मैं इन पे एनएसए लगा दूंगा, मैं इन पे गुंडा एक्ट लगा दूंगा। अरे भाई लगा तो देगा, लेकिन लगने के बाद जिनका भविष्य चौपट कर दिया उसकी भरपाई कौन कर गया? यानी इस सरकार की आंखों में शर्म नहीं है, इस सरकार को किसी चीज की शर्मो लिहाज नहीं है। ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जानवर की तरह, जानवर की तरह आके रखते और देते रहो कि कोई ना कोई बात कह दो जी अगली बार हम तुमसे जो है परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे। तो ये भी एक कारण है कि लोग मूव कर रहे हैं सर यहाँ से? नहीं नहीं ये कारण नहीं है। ये जो लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो मोदी जी और योगी जी को वोट देते हैं, मोदी जी योगी जी जिनको रोज ठोकते हैं, जिनका जीवन बर्बाद करते हैं, वो विदेश में जाने काबिल है ही नहीं। कोई विदेश का जो सरकार है वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ कभी नहीं बुलाएगी जो भक्त अंधभक्त हो। कोई अंधभक्त जो है विदेश में नहीं जाएगा। जो परेशान हो रहे हैं, परेशान तो जब जाएगा जब उसे कुछ कमाया हो गवाया हो। ये तो बेचारे जो है बिल्कुल भूखे नंगे लोग हैं, भुक्कड़ों का कहीं स्वागत नहीं होता। ये तो वो पैसे लोग वो लोग हैं जो कि पेड मैं कहता हूँ सिटीजनशिप लेते हैं, 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। आप समझिए अगर 6 लाख लोग जो है हिंदुस्तान छोड़कर इन देशों में गए हैं तो हर आदमी कम से कम 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एवरेज ये समझिए कि 5 करोड़ रुपए हर आदमी हिंदुस्तान से ले गया है। और तकरीबन आप समझिए अगर इसको गुणा करेंगे तो 28 लाख करोड़ रुपये का धन जो है हमारी देश की संपत्ति जो है विदेशों में चली गई है। और उसके लिए जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार इस मामले में वैसे ही करती, चू नहीं बोलती। चू बोलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हिंदुस्तान में कैसी बदहाली है। और ये समझिए जो ये जो लोग जाते हैं, ये जो लोग 6 लाख लोग जो है हिंदुस्तान की दौलत को लूट कर या अपनी छिपा कर ले गए हैं, सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी है, वो ले गए हैं, तो ले जाने के बाद जो है भारत सरकार की वो वहाँ पर बड़ाई नहीं करते। भारत सरकार के बारे में, देश के बारे में उनकी जो राय है वो अच्छी राय नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आदमी किसी भी देश से भगोड़ा होता है, चाहे वो नीरव मोदी की तरह हो या मेहुल चौकसी की तरह हो या विजय माल्या की तरह हो, वो या तो देश की दौलत लूट के ले जाएगा तब वो हम जाएगा, या जो दूसरे इंडस्ट्रीस्ट हैं जिसमें मैंने बताया कि 214 जो खरबपति हैं हिंदुस्तान के, उनमें से 34 हिंदुस्तान में रह रहे हैं इस समय सब, यानी अडानी अंबानी का परिवार भी आप देखोगे विदेशों में मिलेगा। तो ये लोग हिंदुस्तान में मजबूरी में नहीं गए हैं, ये लोग इसलिए गए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में दौलत को रखना और अपने को सुरक्षित रखना आदमी के लिए जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो उसका स्वास्थ्य और एक उसकी शारीरिक सुरक्षा और फिर तीसरा है उसकी संपत्ति की सुरक्षा। ये तीनों चीज़ों में आज के समय में हर आदमी ये मानता है जिसके पास पैसा है कि कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी आएगा आपके चूतरों पे 2 डंडे मारेगा, आपको बंद कर देगा, चाहे झूठा जुर्म हो सच्चा जुर्म हो, और अदालत से आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप देखिए भीरा कोरेगांव में जितने में लोग बंद हैं आज, उनमें जो है एक को जमानत मिली है, सुधा को जमानत मिली है जो कि एक अमरीकन नागरिक थी, उसने आदिवासियों के कल्याण के लिए इंडियन सिटीजनशिप ली और खुद वो वकील है, लेकिन उसको आज जो है हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत इस बात पे दी कि वो जो निश्चित समय सीमा थी जिसमें कि चार्जशीट फाइल करनी थी NIA को, वो नहीं कर पाए, तो बाय डिफॉल्ट जैसे हमारे यहाँ संविधान में और IPC और CRPC में प्रोविज़न है कि उसके बाद जो है आपको जमानत देनी पड़ेगी, उस पर मिली है। लेकिन आज तक जो है आप देखिए भीमा कोरेगांव में 2018 का केस है, 19 से लोग बंद हैं और आज तक जो है उस पर चार्जशीट नहीं फाइल हुई, क्योंकि चार्जशीट फाइल होते पता लगेगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा हुआ है। तो एक तरह से पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का फर्जीवाड़ा चल रहा है, दूसरा फर्जीवाड़ा जो है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनका चल रहा है, और तीसरा फर्जीवाड़ा अदालत का चल रहा है, क्योंकि अदालत के पास जो अधिकार नहीं है लोगों को जमानत देने के। जितने भी ये कानून बने हैं इनमें लिखा गया है कि आईओ अगर संतुष्ट होगा तो आपको जमानत मिलेगी, अन्यथा आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो जो पैसे वाला आदमी है वो कहता है पहले पढ़ाई करूं, लिखाई करूं, फिर अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करूं, फिर मेरा भाग्य उसमें साथ दे तो मैं सफल हूं, और सफल होने के बाद मैं जो है टुच्चे से लोगों के सामने जो है क्यों नाक रगड़ूं, तो इससे बेहतर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और किसी भी देश में जाकर नागरिकता ले लो और वहां पर आराम से रहो। ये 6 लाख लोग जो गए हैं ये हिंदुस्तान की प्रतिभा है, ये हिंदुस्तान के ज्ञानी लोग हैं, ब्रेन ड्रेन है। जब ब्रेन ड्रेन को हम रोते थे क्योंकि भैया हमारे जो पढ़े लिखे डॉक्टर चले जाते हैं, CA चले जाते हैं, इंजीनियर चले जाते हैं, वैज्ञानिक चले जाते हैं, लेकिन ये ब्रेन ड्रेन में आपके जो है इंडस्ट्रीज शामिल हैं, और इंडस्ट्रीज शामिल होने का मतलब है कि वो लगते हैं उन्हें, क्योंकि वो सबसे जल्दी जो है हवा का रुख पहचानने वाले लोग हैं और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में व्यापार करना बड़ा कठिन है, और इसीलिए वो जो है हिंदुस्तान से बाहर भाग जाते हैं।
एक नई परंपरा जो शुरू हुई है, अभी आप देखते हैं बड़े खुश होते हैं हम कि जी फेसबुक का आदमी जो है वो हमारा इंडिया का हेड है, जो ट्विटर का है वो इंडियन हेड है। उसके पीछे का कारण बता देता हूँ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को अपनी कंपनियों में अपना हेड बनाकर इसलिए रखा जाए क्योंकि अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में वो आएं और व्यापार करें, और व्यापार करते हुए क्योंकि हर कानून में बदलाव है कि उनके किसी भी आदमी को हिंदुस्तान में किसी भी जुर्म में जेल में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ या व्हाट्सएप हुआ, ये चाहते हैं कि हमारा अमेरिकन आदमी, मेरी एक से बात हो रही थी सीईओ से डेलॉइट के, तो उसने कहा जी हम क्यों अपने हम तो नौकरी करते हैं, हम तो अपना ज्ञान बांटते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, हम क्यों हिंदुस्तान के कानून के पक्ष में पड़ेंगे, हम जेल जाएं। तो हिंदुस्तान से जितने भी ये सीईओ बनाए जाते हैं उनको इस नज़र से ही बनाया जाता है कि ये इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर कभी किसी पचड़े में पड़े तो और इन्हें जेल जाना पड़ा तो यही जेल जाए, हम अमरीका ना। जैसे ताज़ा उदाहरण देखने को मिला, बबुआ बुआ बबुआ पेज में मार्क जुकर के ऊपर FIR हो गई है जी। तो यही आपका जवाब है? बिल्कुल जी, ये इसलिए बनाते हैं, वो इंडियन लोगों को ढूंढ रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं यहीं का आदमी जो है यहाँ से लड़ भी लेगा, जेल भी चला जाएगा, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां का आदमी, अमेरिका का आदमी या ब्रिटेन का आदमी या फ्रांस का आदमी या और दूसरे देश का आदमी कहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आपकी डर्टी ट्रिक की वजह से हम जेल क्यों काटे। बिल्कुल। और आप देखिए हिंदुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई जो जिन्होंने हिंदुस्तान में व्यापार किया, अल्टीमेटली उनका जो पतन हुआ वो हिंदुस्तान में रिश्वत लेने देने के मामले में हुआ। यानी कि जो सबसे बड़ी दुनिया की जो एनर्जी की कंपनी थी, बिजली बनाने वाली कंपनी, वो महाराष्ट्र में आई थी जी। और जब वो महाराष्ट्र में आई तो ये पता चला जी उन्होंने हिंदुस्तान में लोगों को रिश्वत दी, अमेरिका में उसकी जांच हुई और उस कंपनी का एनरॉन का दिवाला निकल गया। एनरॉन का दिवाला निकला जी, जी, जी। इसी तरह और बड़ी कंपनियों का निकला, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैसा दिए बिना, रिश्वत दिए बिना आप व्यापार नहीं कर सकते और उनमें किसी अधिकारी को जेल जाना पड़ेगा। एलन मस्क को इसलिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है? एलन मस्क क्या, एलन मस्क का तो देखो, एलन मस्क को तो हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, वो इसे देना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ सकते। एलन मस्क जो है हिंदुस्तान में अगर कहेगा जी हम तेरे को जो है अडानी या अंबानी के चक्कर में अपने यहाँ परमिट नहीं दे रहे, तो एलन मस्क की टेक्नोलॉजी में कोई खामी नहीं है, वो अपनी टेक्नोलॉजी नेपाल ले आएगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ले आएगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी बर्मा ले आएगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश ले आएगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है लंका ले आएगा, और जब चारों देशों का नेटवर्क जो आगे चला जाएगा तो जैसे CDMA वाले जो रिलायंस वाला फोन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी थी तो वो खत्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई में अगर आप भारत सरकार सोचते हैं कि एलन मस्क को हम रोक लेंगे, तो एलन मस्क को रोक सकते हैं, 2 महीने रोक लेंगे, 4 महीने रोक लेंगे, 6 महीने रोक लेंगे, लेकिन एलन मस्क जो टेक्नोलॉजी है, किसी भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हो, उसको भारत सरकार अगर रोकेगी तो देश पिछड़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में मैं कहूँगा कि जैसे धृतराष्ट्र को कौरवों का मोह था, वो चाहता था कि भाई कौरवों का ही सब कुछ भला हो, तो अगर मोदी जी सोचते हैं कि अडानी अंबानी या उनके जो चार चंगू मंगू हैं उनका ही भला हो, तो ऐसा होगा नहीं। टेक्नोलॉजी की लड़ाई में ये सब हार जाएंगे, क्योंकि अडानी और अंबानी टेक्नोलॉजी के बेस पर जो है दुनिया के अमीर आदमी नहीं बने हैं, ये सिर्फ जोड़ तोड़ और सरकार की बेईमानी की वजह से बने हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे आप जुकरबर्ग की बात करें, एलन मस्क की बात करें, और किसी की बात करें, वो अपने दम पे, अपनी खोजों के दम पे अमीर आदमी बने, रिसर्च के दम पे बने, तो वो आदमी अमीर बनेगा जो रिसर्च कर रहा है, जो जोड़ तोड़ करता है, लेन देन करता है, यानी धोखाधड़ी करता है या जनता और बैंकों का पैसा हड़प लेता है, वो अगर अमीर बन जाता है तो अमीर नहीं है, क्योंकि उसके पास बेसिक बुद्धि नहीं है, बेसिक चातुर्य नहीं है, सिर्फ वो जो है एक तरह से किसी देश का शोषण करके जो अमीर बन रहा है, और एक दिन उसकी अमीरी धरी रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर ये सारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ हो रहा है और भारतीय क्यों नागरिकता छोड़ रहे हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोगों को पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में।